वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सिखां दे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व नूं लै के पूरा ही जिहड़ा देश दुनिया दे विच मनाया जा रहा है। तो अज असीं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे विच पहुंचे हुए हैं। तो पहला असीं तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे, तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ियां रंग बिरंगियां लाइटां दे नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब नूं सजाया गया, जिथे कि वड्डी गिणती दे विच संगतां सवेर तो ही नतमस्तक होने लई पहुंच रही हैं। तो फिलहाल असीं तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं, तुसीं देख सकते हो कि सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के चार चुफेरे दे विच जिहड़ी लाइटिंग आ उह कीती गई है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जिहड़ा देखण नूं मिलिया है। 40 तो 50 किस्मां दे जिहड़े फुल ने उह सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के चार चुफेरे दे विच लगाए गए हैं, जिहड़ियां कि असीं तुहानूं तस्वीरां जगबन टीवी ते दिखावांगे। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा ते श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं भाजी अमृतसर का रहने वाला, मेरा नाम चांद है जी। इस गुरपुरब के मौके पर आप दर्शन करन आए हैं, हर रोज़ आईदा है, पर अज मन बहुत प्रसन्न होया। इतों की लाइटिंग देखो, फुलों की सजावट देखो, अंदर दर्शन करके मन में बहुत खुशी मिली है। बहुत दूरों दूरों लोग आए ने मत्था टेकन वास्ते। मेरे ख्याल में जिस तरीके गुरपुरब मनाया जाता है और कित भी नहीं, इन्ने एक आनंद मन बहुत प्रसन्न होंगे इतने आके जी। बहुत लखां श्रद्धालु पहुंचे जी, बहुत बहुत दूरों लोग आए हैं जी। बहुत ज़्यादा मन में खुशी हो रही है जी। हजे तक फुलों की सजावट चल रही है, तुम अंदर जाके देखा होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मन में खुशी वाला मौका मिले कि असं इतने मत्था टेकन आए हैं। मेरा अमृतपाल सिंह जी, दिल्ली तो आया, दास सेवादार है गुरुद्वारा शीश गंज साहिब चांदनी चौक दिल्ली का जी। पहले तो मैं संगत को फतेह बुलाना, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। भी जी ये वो स्थान है ये जिहड़ा कि किसी भी बंदे नूं शंका होवे, कोई दुखी होवे, कोई बीमार होवे, कुक होवे, ऐसा सोम है इत्थे टोबा लाओ, इत्थे दुखियां दे दुख दूर होते हैं। जिहड़े रिड़ के आते हैं वो चल के जाते हैं, जिन्हां नूं सुनाई नहीं दिंदा वो सुनन लग जाते हैं, जिन्हां नूं दिखदा नहीं उन्हां नूं दिखण लग जाता है। ये धन धन साहब श्री गुरु रामदास साहब जी का यह अपना स्थान है। ये मेरे ख्याल शायद ही कोई वर्ल्ड के कोई ऐसा स्थान होगा जिथे इन्नी संगत घूम माके की पहुँचती और अपने श्रद्धा के फुल भेट करते रहे। मेरा नाम जी गुरकीरत सिंह गत्री। सब तो पहला सारिया संगतों को, समूह शहर वासियों को मेरे वालों वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं तकरीबन 2007 तो गुरु रामदास जी का यह दिहाड़ा जिहड़ा देखता आ रहा, तो बड़ी मन में खुशी होती जो भी अं आईदा वा, दो तीन दिन लगातार सेवा करके जाइए अं गुरु रामदास जी के घर। तैयारियां तकरीबन वेख्या जाए तो मन इन्ना खुश हों गुरु रामदास जी के घर आ के, रूह में सुकून मिलता है। तैयारियां और जरा अपने फुल फ्लाई जी लाइट इन्हों की लाइटिंग है, तो गुरु रामदास जी के घर के इस टाइम जरा गुरबाणी का अपने संचालक हो रहा इन्हों का, जड़ी मधुर कन्ना जी इस टाइम जी गुरबाणी की आवाज़ सुनाई दिंदी है, वो नाल मन में एक तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा अपने सुकून मिलता, तो गुरु रामदास के घर जरा अं बार बार रोन सा मन भी करता और एक शांति मिलती गुरु रामदास के घर आकर। सू मेरा नाम कमलजीत सिंह जी। हाँ जी हाँ जी, ए महाराज जी का जो जन्म दिहाड़ा है बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है, तो वख वख प्रदेशों तो देशों तो संगत इतने पधार रही है। बड़ी सोहनी लाइटिंग हुई है, बड़े सोहने फुलों ने गुरु महाराज जी के अपने अंदर सचखंड जी को सजाया गया है। बड़ा ही मन खुश होंदा ते भागा वाला फील करते हैं अमृतसर के वासी होने करके, क्योंकि ये करके ही सारा इतने अपना सजावट होंगी है, तो गुरपुरब मनाया जाता है, तो बड़ा वधिया लगता मन।
संगत ने यही मैसेज देना चाहता कि हुम हुमा आ गया हो ते गुरु के चरणा लगो ते मुँह मंगिया मुरादा पा के जाओ। जे इस दर तो नहीं कुछ मिलिया तो कितने होर कुछ नहीं मिलना, डेरा डूरा वाद नू छड्डो ते अपने सच्चे गुरु दे आगे लड़ लगो। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतह। मेरा नाम जी अमनदीप सिंह है। पहले मैं सारिया संगतों नू जकारा फैलाउना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज कल नू दिन श्री गुरु रामदास जी के चौथे प्रकाश चौथे गुरु गुरु रामदास जी का प्रकाश गुरपुरब है। अज एक दिन पहलों ही संगतों का ठाठा मारदा काठ अंदर देखा वा, मन गदगद हो गया ते अंदर दीपमाला की हुई आ जिदा देख के होर भी विदेशों तो संगत आईया का अंदर देखिया वा ते वध तो वध लोग सेवा कर रहे हैं। तो मैं यो ही मैसेज देना चाहता संगतों भी आप हुम हुम आ के अपने परिवार ना आए इतने नमस्त हो के गुरु साहब जी दर्शन किए जाने ते अपना जिहड़ा गुरु साहब की कृपा करन ते अपने कारोबार तक्के बख्शन। वाहे खालसा। मैं कहा वा लाइटिंग का तो वक्रा ही नज़ारा देखने मिल रहा वा। पिछले साल नो इस साल होर तकरीबन उन्होंने सुधार करके लाइटिंग का होर भी वक्ो वख तरह का किया वा ते मन होर खुश आया। इसे मैं संदेश देना चाहता दूर दूर तो संगत देख आ रही ने। तो तुम देखा कि वड्डी गिनती दे विच संगतां सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे विच पहुंचियां हुई ने, तो उन्होंने वालों मीडिया के नाल गलबात भी की गई। उन्होंने वालों दस्या जा रहा है कि जिहड़ा नज़ारा सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे विच देखण नूं मिलता है यह कितें नहीं देखण नूं मिलता, तां उह वड्डी गिनती दे विच संगतां अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे विच सवेर तो ही नतमस्तक होने के लिए ही पहुंचे हैं। उन्होंने वालों कहा जा रहा कि जिहड़ी सचखंड श्री हरिमंदर साहब के चार चौफेरे दे विच लाइटिंग लगी है तो इसनूं देख के बहुत ही खुशी हुई है। जगबन टीवी के लिए गुरप्रीत सिंह अमृतसर।